वेदांता कंपनी सीआर जोड़ी जहां स्थापित है, वहां के विस्थापित और प्रभावित लोगों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना देने का कार्य किया था। उसके बाद कंपनी द्वारा वार्ता की पहल हुई और आज दिनांक 15 तारीख स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में चंदन क्यारी प्रखंड परिसर में कंपनी और ग्रामीणों के बीच वार्ता संपन्न हुई और जो मांगे थी 13 मुद्दों पर मांगे थी हमारी, कुछ मुद्दों पर सहमति हुई, कुछ मुद्दों पर असहमति हुई और कुल मिलाकर अभी तक एक सकारात्मक पहल हुआ और उसको लेकर ग्रामीण सब सेटिस्फाइड है। और हमारी जो मांगे थी वही जो कंपनी के माध्यम से जो रैयत हैं, प्रभावित हैं, विस्थापित हैं, उन्हें नियोजन मिले और कंपनी के माध्यम से अच्छी सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था की जाए। प्रमुख मांग नियोजन ही, क्योंकि आज झारखंड में बहुत तेजी से बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस कंपनी को स्थापित होने के लिए हमने जमीनें दान दी हैं। किसी भी कंपनी को अगर स्थापित करना है या कंपनी को चलाना है, उसके लिए 5 तत्व चाहिए होते हैं, जिनमें पहला तत्व आपका जमीन ही होता है। तो जब हमने उस कंपनी की उन्नति में अपना जमीन, जो हमारी जीविका का साधन है, जीविका का स्रोत है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसी पर आश्रित रहते हैं, और चंदन क्यारी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मूलतः लोग कृषि पर ही टिके हैं, यानी अगर वो जमीन दे चुके हैं इसका मतलब वो इंसान बंधवा मजदूर के अलावा और कुछ बचा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जिन कंपनियों को हमारे लोगों ने जमीन दान दिया है, स्थापित किया अपनी जमीनों पर ताकि वो देश और राष्ट्र का विकास कर सके, तो देश और राष्ट्र का विकास करने के क्रम में वो रैयतों के विकास को ना भूले। हम लोग इसी बात को याद दिलाने आए हैं कि देश की विकास से, राष्ट्र के विकास से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जमीनें चूंकि हमने दान दिया है इसीलिए अगर कंपनी ने उन्नति किया है, देश के लिए उन्नति किया है, तो उस उन्नति में हमारी भूमिका होनी चाहिए, बदले में हमारा भी उन्नति होना चाहिए। तो हमारी मुख्य मांगे हैं नियोजन को लेकर और कंपनी प्रबंधन के द्वारा आश्वासन सकारात्मक मिला है। 2-3 दिनों में उन्होंने जिन बातों को लेकर, आज मांगों को लेकर वार्ता हुई है, उसको जो व्यवहारिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से सूचित किया जाएगा और उसके बाद फिर जल्द ही जो बातें आज घटित हुई हैं, बैठक में चर्चा की गई है, उस पर अमल किया जाएगा। किस बिंदु पर सहमति बनी है? लगभग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहा आपका नियोजन को लेकर, कि जो स्थानीय पढ़े लिखे जो युवा हैं, बीटेक धारी, डिप्लोमा धारी, आईटीआई धारी, उनको यथाशीघ्र उनकी योग्यता के आधार पर नियोजन में और जो अप्रेंटिस भी किया जाए और उसके बाद शिक्षा को लेकर व्यवस्था की बात कही गई, तो उन्होंने उनके स्तर से कहा कि हम लोग अगर कोई सरकारी विद्यालय है तो जाहिर सी बात है सरकारी विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए हमने वैकल्पिक बात कहा कि गांव में ही, क्योंकि नियोजन की भी बात सामने आ रही, तो गांव में ही अगर कोई पढ़े लिखे युवा हैं जो बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं और भी अगर बेरोजगार हैं, तो उनको चयन करके उन्हीं के माध्यम से शिक्षा का भी दायित्व दिया जाए और कंपनी उन्हें प्रोत्साहन राशि भी देगी। इस पर भी सहमति, 75% लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार की गाइडलाइन है? जी हाँ, 75 नहीं, हम लोग तो कहना चाहेंगे कि 75 नहीं, 100% पहले उन्हीं को मिले जिनके जमीनें गई हैं। कंपनी में जो भी प्रोडक्शन बन रहा है, जाहिर सी बात है उससे बहुत सारे गैस या फिर अन्य तरह के प्रदूषण निकल कर सामने आ रहे हैं, तो उससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, सीआर जोरी का जो गांव है या फिर उसके इर्द गिर्द जो गांव है, वे लोग प्रभावित हो रहे हैं, यानी बीमारियों का सामना वे कर रहे हैं, तो अतो पहले प्राथमिकता उनको मिले। 75 रहे, 80 रहे, 90 रहे या 100% रहे, उनसे अगर बचता है, उन गांव के जो युवा हैं अगर उनसे बचता है तो फिर आप किसी को दें, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए जो विस्थापित हैं प्लस प्रभावित हैं। मजदूर के हित में क्या चर्चा हुआ? मजदूरों के हित में ये चर्चा हुआ कि यदि कंपनी के कार्य के दौरान या फिर कंपनी बाहर भी अगर उसमें कंपनी का रोल होता है उस घटना दुर्घटना में, तो उसे त्वरित मुआवजा प्लस उस व्यक्ति को नियोजन। क्या लग रहा है अभी अब ये वार्ता आपका सफल होगी? इससे पहले भी कई जनप्रतिनिधि इस तरह की वार्ता हुआ और कंपनी के साथ फेलियर हो गया है? देखिए, वार्ता हुई है और सकारात्मक बिंदुओं पर सकारात्मक पहल के साथ वार्ता हुई है। सफल होना ना होना ये अब कंपनी प्रबंधन पर है। हम लोग ग्रामीणों ने तो बहुत कुछ झेला है, हमने क्या नहीं खोया है, उसके बावजूद हम लोग संवेदनशील हैं, उसके बावजूद भी हम लोग शांत से अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। कंपनी प्रबंधन जो उन्होंने बातों को स्वीकारा है उस पर अमल करती है तो यथावत शांतिपूर्ण वो गांव कंपनी अपना नित्य क्रियाक्रम के साथ चलता रहेगा,
यदि जो वार्ता हुई है उसे अगर वो मुकरने का कार्य करते हैं तो हम लोग पुनः संवैधानिक दृष्टिकोण से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और वार्ता को सफल नहीं हुआ, वो लोग जो आपके साथ सहमति बना उस पर नहीं काम करती है, तो फिर आगे क्या करेंगे आप? आगे की जो रणनीति होगी इससे एक स्टेप आगे जाकर, अभी हम लोग हड़ताल पर बैठे थे, आगे भूख हड़ताल होगा, आंदोलन अनशन होगा, लेकिन लड़ाई तो जारी रहेगी। क्योंकि चीज है कि यहाँ पर जन सुनवाई के नाम से बोलिए या तो हुड़का जाम के नाम से बोलिए या तो फिर कोई आंदोलन हुआ है और आंदोलन के बाद आंदोलन सफल रहा, तो क्या इस तरह तो इस तरह नहीं होंगे कि आप आंदोलन कर रहे हैं फिर कुछ दिन के बाद आंदोलन बंद हो जाएंगे? नहीं देखिए, आंदोलन तो हमेशा इस तरह का आंदोलन को मतलब कि बंद कराने का काम किया है, आप इस पे क्या कहेंगे? समय में बंद करा दिया गया। जी हाँ, ऐसी परिस्थितियां पहले सामने आई है, लेकिन हम लोग पिछले साल भर से आंदोलन कर रहे हैं और काफी कम आयु के बावजूद हमने सीखा कि किस प्रकार समस्याएं आके घेरा डालती हैं, घेरने का कार्य करती हैं, लेकिन उन समस्याओं से बाहर आने का हम लोग रास्ता तय रखे हैं। और चूंकि इस बार आंदोलन जो कर रहे हैं उसका नेतृत्व मूलतः युवा कर रहे हैं, नौजवान पढ़े लिखे कर रहे हैं, और इसीलिए निश्चित रहिए, पूर्व में जिस प्रकार आंदोलन दब जाते थे, बिक जाते थे, ऐसा अब नहीं होगा। चूंकि युवाओं ने बागडोर को संभाला है, महिलाएं भारी संख्या में घर से बाहर आई हैं, अतः आंदोलन चलेगा जब तक कि रैयत विस्थापित प्रभावित लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता। मजदूरों को नियमित रूप से मजदूरी नहीं मिल रहा, इस पर क्या कहेंगे? उस पर भी बात हुई कि एक जो वाजिब दर है उस दर के साथ मिले और मजदूर को मजदूरी के दौरान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, सेफ्टी इत्यादि का ख्याल रखा जाए, और इन सब बातों पर भी चर्चा हुई।